ये तो 9 साल जिसपे हम आपको कुछ चीजें ऐसी बताना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि कुछ नया है। वैसे तो हमने 3 शब्द दिए हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये हमारे सेक्टर है। अब आप देखेंगे कि योजनाएं पहले थी और मोदी जी ने आकर के क्या किया, इस पर मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल। ऐसा नहीं है कि योजनाएं पहले थी, योजनाएं थी, लेकिन मोदी जी ने सोचा कि इसकी रफ्तार बहुत धीमी है, जिससे चलेंगे तो हम गरीब कल्याण का हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे कच्चा कृषि का मकान है, उसके पक्के मकान बनाने की एक योजना मोदी जी से पहले थी, उसका नाम था इंदिरा आवास। देश के एक ग्राम पंचायत में एक या दो टारगेट होते थे। शुरुआत के दौर पे 17,000 से शुरू किया, 25,000 तक चले, फिर उसकी राशि को 50,000 तक ले गए, लेकिन उसमें 7,000 रुपये वो रखा, पेड़ लगाएंगे, नाली साफ रखेंगे। उस पार्टी राज्यों में उसमें राशि का थोड़ा फर्क था, लेकिन टारगेट क्या था, एक ग्राम पंचायत में एक और दो, और कच्चे मकानों की संख्या बहुत, तो कैसे इसको पूरा करें। तो योजना को रीशेप दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना है। मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, सर, इंदिरा आवास योजना थी, मकान 3 किस्तों में उसकी किस्त आती थी, वीडियो ने अगर मना कर दिया तो एक किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं आती थी, कलेक्टर ने कहा यूसी नहीं आई तो नहीं आती थी, किसी गांव वाले ने शिकायत कर दी तो नहीं आती थी, मकान बन ही नहीं पाते थे इंदिरा आवास। यहाँ क्या किया इन्होंने, प्रधानमंत्री आवास योजना आई और कहा इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा, एक तो स्केल बढ़ाया और एक स्पीड बढ़ाई, और किसी ग्राम पंचायत में ना 2 या 3 टारगेट इंदिरा आवास में आते थे, यहाँ 100, 200, 300, 400 टारगेट।